नेक्स्ट इज स्पेस बार. चिल्ड्रन दिस इज द स्पेस बार. ओके दिस की इज वेरी लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार. ओके व्हाई वी यूज द स्पेस बार की. द स्पेस बार की इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस. जैसे आप टू वर्ड्स के बीच में स्पेस मेंशन करते हो वैसे ही जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग के टाइम पे स्पेस देंगे तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे. लॉन्ग स्पेस बार की. ओके देयर इज ओनली वन स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड. इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ओके चिल्ड्रन व्हाई वी यूज द स्पेस बार की. स्पेस बार की इज यूज फॉर इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर्स. ओके नाउ नेक्स्ट इज एंटर की. वेयर इज एंटर की. दिस वन द एंटर की इज यूज्ड फॉर मूव टू द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन. अगर आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्सर. कर्सर मीन्स लाइक दिस टाइप ऑफ एरो. ओके ये होता है कर्सर. ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है तो जब हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे. एंटर की. द एंटर की इज प्रेस टू मूव द नेक्स्ट लाइन. देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड. ओके वन इज हियर एंड अनदर इज एन नंबर की. ओके एक होता है आपको यहाँ पर अल्फाबेटिक कीज की साइड दिखेगा और एक नंबर कीज के साइड दिखेगा. ओके नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 40. कलर द कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू द कलर कोड गिवन बिलो. आपको सब कीबोर्ड्स में कलर करना है बट जो कलर आपको मेंशन किया गया है उसी कलर से ही आपको कलर करना है. की एंटर. कलर कोड इज रेड. ओके जहाँ पर एंटर लिखा हुआ है देयर आर टू एंटर कीज इन अ कीबोर्ड तो दोनों में ही आपको रेड कलर मेंशन करना है. वन इज हियर देन अनदर इज हियर. ओके टू एंटर कीज कलर देम रेड. देन अल्फ़ाबेट. जितने भी अल्फ़ाबेट कीज हैं हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज 26 अल्फ़ाबेट कीज इन अ कीबोर्ड तो आपको सब में कौन सा कलर करना है. येलो. हियर 1 2 3 4 यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट कीज हैं सब में आपको कौन सा कलर करना है. येलो. स्पेस बार. वेयर इज स्पेस बार. हियर. लॉन्गेस्ट की इज कॉल्ड स्पेस बार तो आपको कौन सा कलर करना है स्पेस बार में. ग्रीन. ठीक है देन न्यूमेरिक कीज. हाउ मैनी न्यूमेरिक कीज इन अ कीबोर्ड. देर आर टू न्यूमेरिक कीज. वन इज हियर एंड अनदर इज स्टॉप. ओके तो आपको कौन सा कलर करना है न्यूमेरिक कीज में. पिंक. दिस इज योर होमवर्क. आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है नाउ नेक्स्ट इज बैक स्पेस की. व्हाई वी यूज द बैक स्पेस की. बैक स्पेस की इज यूज्ड फॉर इरेज सम लेटर्स और वर्ड्स. ठीक है व्हेन यू प्रेस द बैक स्पेस की. आपको पता है बैक स्पेस की कहाँ है. हियर. दिस इज द बैक स्पेस की. ठीक है When you press the backspace key, the cursor moves one step to the left. Left side से अगर आपको erase करना है तो हम backspace key का use करते हैं और right side से अगर erase करना है तो हम delete key का use करते हैं. ठीक है Cursor is a small line. Where what is the cursor? Here. See, one line between two letters that is called cursor. ठीक है ब्लिंकिंग लाइन है. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ब्लिंकिंग लाइन दैट इज़ द कर्सर. अगर सपोज मुझे इसमें स्पेलिंग रॉन्ग है ना बेटा. कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है. सी डबल ओ एम पी यू टी ई आर बट करेक्ट स्पेलिंग ए सी ओ एम पी यू टी ई आर. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अगर मूव करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी. बैक स्पेस की. सी दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग.
Okay, children, this is the backspace key. Now next is delete key. When you press the delete key, one place to the right of the cursor is erased. ठीक है, इसमें आपको राइट हैंड साइड अगर मूव करना है लाइक दिस, अगर यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है कंप्यूटर की COMPUTYER, ओके, तो मुझे इस वाई को इरेज करना है, तो मैं बैक स्पेस की अगर प्रेस करूँगी तो क्या इरेज हो जाएगा, टी. अगर डिलीट की प्रेस करूँगी तो क्या इरेज हो जाएगा, वाई. ओके, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. फर्स्ट आपको क्या करना है, जहाँ जिस लेटर को मूव करना है वहाँ से माउस की हेल्प से आपको कर्सर प्रेस कर रिप्लेस करना है. ठीक है, उसके बाद डिलीट की प्रेस करके आप वाई को इरेज कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिलीट की. ओके चिल्ड्रन, ऑल आर कीज इन अ कीबोर्ड. फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, एंटर कीज, बैकस्पेस की और डिलीट की. ओके चिल्ड्रन, स्पेस बार. ओके, दिस इज़ द कीबोर्ड चैप्टर, प्रैक्टिस एट योर होम. अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है घर पे, तो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम सेकंड स्टैंडर्ड में पहुँचेंगे, होप सो स्कूल विल रीओपन, देन अपन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और सब देखेंगे कि कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट की हेल्प से भी कीबोर्ड को देख सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4, कीबोर्ड. ओके, Now, first exercise is, some of the keys of the keyboards are hanging from the tree. Identify the alphabet and numeric keys and write them in the space provided. देखो, आपको यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है जिसमें कुछ न्यूमेरिक कीज हैं, लाइक 3, 7, 8, ओके, और कुछ आपको अल्फ़ाबेट कीज दिख रहे हैं, PXMGUQV. तो यहाँ पे आपको एक स्पेस है जिसमें आपको क्या लिखना है, द अल्फ़ाबेट कीज़. तो हम कौन कौन से कीज़ लिखेंगे, फर्स्ट पी कॉमा एक्स कॉमा जी कॉमा एम कॉमा यू कॉमा क्यू कॉमा वी, ऑल आर अल्फ़ाबेट कीज़. एंड न्यूमेरिक कीज़ मीन्स नंबर कीज़, 3, 8 or 7. So you will write here 3, 8, 7. Okay children, this is the exercise E. Now B question is, look at the following picture of the keyboard. Okay, ये कौन सी picture है keyboard की, इसमें आपके पास question is, most of the keys are small in size, all in small in size. But one of them is bigger than all the others. Circle it and write its name. Which key is longer? Which key is bigger than all the others? Which key it is? Space bar. Where it is located? Circle it. Okay, children, this is the space bar. And you will write here space bar. S P A C E B A R. Okay, now next is C exercise. Write T for the true statement and F for the false one. There are 3 enter keys on the keyboard. Yes or no? No, there are 2 enter keys in a keyboard. So you will write here false means wrong. Space bar key is the longest key on the keyboard? Yes. So you will write here T. There is only one set of number keys? No. There are 2 number keys in a keyboard. So you will write here false, F. Space bar is used to move to the next line? No, space bar is used for
give space between words or letters and move to the next line which key used for enter key. So you will write here false. The backspace key erase anything type on the left side of the cursor. Yes, so you will write here true. Okay, now next exercise is D. Use the words given below to fill in the blanks. Number keys are also called numeric key. So you will write here numeric. The dash key erase anything typed on the left side of the cursor. Left hand side से अगर हमको erase करना तो हम कौन सी key का use करेंगे? Backspace. You will write here backspace key. Okay. The space bar key is the dash key on the keyboard. Space bar key is the longest key on the keyboard. We can move to the next line using enter key. You will write here enter. The dash key erase anything typed on the right side of the cursor. अगर आपको राइट हैंड साइड से कुछ डिलीट करना है, कुछ इरेज करना है, तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे? डिलीट की. और लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज ए. यू विल राइट लाइक दिस. एक्सरसाइज बी, सर्कल द स्पेस बार की एंड राइट हियर स्पेस बार. दिस इज द एक्सरसाइज नंबर सी, ट्रू फॉल्स. एंड एक्सरसाइज डी, fill in the blanks. Now students, next exercise is E. Write in the space given in the missing letters and numbers in the following keyboard. देखो, आपके पास एक कीबोर्ड है जिसमें कुछ कीज मिसिंग है, आपको उसको कंप्लीट करना है. ओके, सो फर्स्ट की इज 2. ओके, तो 2 के आगे क्या आएगा? 1. You will write here 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9, okay, then 0. This is the number key. Okay. Now, next is, which key here? Q. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M. ओके, आपको ऐसे पूरी कीज को कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 0. Then Q, then R, then U, then D, X, then M. Okay, इस टाइप से आपको जहाँ पे ब्लू कलर किया है वो मिसिंग है, वहाँ पे आपको पेंसिल के थ्रू आपको ये कीज कंप्लीट करनी है. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज नंबर ई. नाउ एक्सरसाइज नंबर एफ. आइडेंटिफाई द लास्ट की प्रेस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू. देखिए, अगर आपको इसके बाद कौन सी की प्रेस की गई है, लास्ट की कौन सी की है? सी. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सी. अब लास्ट की कौन सी है? ओ. देन यू विल राइट हियर ओ. देन लास्ट की इज एम, सो यू विल राइट हियर एम. देन लास्ट की इज पी. देन U, then T, then Y, then again T. Last is, last key means last word, आपने last letter कौन सा लिखा है उसको आपको यहाँ पे mention करना है. T, उसके बाद E,
देन आर। अब देखिए इसमें कुछ है लास्ट की, नो लास्ट की क्या है, स्पेस, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेस। देन लास्ट की इज सी, सो यू विल राइट हियर सी। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज एफ।